नमस्ते मॉम्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सुधा और आज की वीडियो में रोस्टेड मखाना की एक बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। रोस्टेड मखाना काफ़ी अच्छा और एक हेल्दी स्नैक है जो हम अपनी बेबी की डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई होती है एंड इसको कभी भी आप अपने बेबी को खिला सकती हैं। इवन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, कभी भी आपको कुछ कैरी करना है अपने बेबी के लिए स्नैक्स, सो यू कैन कैरी रोस्टेड मखाना। मैं जनरली जब भी बाहर जाती हूँ आन के साथ तो मैं उसके रोस्टेड मखाना कैरी करती हूँ ताकि अगर उसे भूख लगे तो मैं उसे खिला सकूँ। बिकॉज एक बहुत ही हेल्दी स्नैक है, ये बच्चों की हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी हाई है, ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं। सो विदाउट एनी वरीज यू कैन इंक्लूड रोस्टेड मखाना इन योर बेबी डाइट एंड इवन यू कैन कंज्यूम इट। मॉम्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए कोई भी इसको खा सकता है एंड एज वी ऑनली इवन फास्टिंग ऑल्सो हम इसको खाते हैं। सो विदाउट एनी वरीज यू कैन इंक्लूड रोस्टेड मखाना इन योर बेबीज डाइट। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी ऑफ रोस्टेड मखानाज। रोस्टेड मखाना बनाने के लिए मैं मखाने, घी और नमक ले रही हूँ। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच घी डाल रही हूँ। गैस का जो फ्लेम है वो हम हाई रखेंगे ताकि जो हमारा घी है वो गर्म हो जाए। थोड़ा सा चला लें घी को। घी को अब हम थोड़ी देर गर्म होने देंगे। सो अब ये जो हमारा घी है हम देख सकते हैं कि गर्म हो गया है। अब हम इसमें मखाने डाल देंगे, मिक्स कर दें इसे अच्छे से। चलाते रहें मखानों को कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी नहीं रुकना है आपको। और जो गैस का फ्लेम है वो हम अब सिम कर देंगे, बिकॉज सिम फ्लेम में जो हमारा मखाने हैं वो काफ़ी अच्छे से रोस्ट होते हैं। पूरी रेसिपी के दौरान आपको जो मखाने हैं उनको चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप मखानों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जल जाएंगे। सो मखानों को कंटिन्यूसली चलाते रहें। लगभग 2 से 3 मिनट हमें मखानों को कुछ इसी तरीके से चलाते रहना पड़ता है, जब तक कि वो थोड़े से उनका जो कलर है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। सो अब जो हमारे मखाने हैं इसमें मैं 1/4 स्पून नमक डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मखानों को। सो अब हम देख सकते हैं जो हमारे मखाने हैं वो थोड़े थोड़े लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा और भून लूंगी मैं इसे। As you can see, so हमारे जो मखाने हैं अब वो ऑलमोस्ट रेडी हैं। सो ये मैंने एक बोल में अपने मखानों को निकाल लिया है, इनको हम ठंडा होने देंगे। सो ये हमारे यमी मखाने रेडी हैं। सो ये एक नॉर्मल मखाना है, आई वुड लाइक टू शो यू। अगर आप इसे एक स्पून की हेल्प से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा, प्रेस भी करना चाह रही हूँ तो भी ये नहीं हो पा रहा है। बट वहीं अगर मैं एक रोस्टेड मखाना लेती हूँ, सो एज यू कैन सी ये स्पून से एकदम से देखिए बिल्कुल टूट गया है एंड इट्स वेरी क्रिस्पी, सुपर क्रिस्पी। ऑल फॉर द वीडियो मॉम्स, आई होप यू लाइक दिट। आप चाहें तो इन मखानों को एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकती हैं। इस तरीके से जो मखाने हैं उनको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम कर सकते हैं। मैं जनरली ऐसे ही करती हूँ आहन के लिए, जब भी मैं मखाने रोस्ट करती हूँ उसके बाद में उन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देती हूँ, और जब भी उसे घर में या फिर कहीं भी मुझे उसके मखाने उसके लिए लेके जाने तो मैं ईजिली उनको लेके जा सकती हूँ। सो यू कैन डू दैट। सो आई होप मॉम्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर इंक्लूड करें रोस्टेड मखानों को अपनी बेबी के डाइट में। एंड यस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन की वीडियो आपको कैसा लगा। टिल देन बाय, नमस्ते मॉम्स, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ।